बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अरे मैं कैमरे में हूँ ही नहीं। अच्छा मैं नीचे हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका व्लॉगिंग से। तो कैसे हो आप सब? तो आज का मौसम कुछ ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और हमेशा मैं पार्लर में होती हूँ, पार्लर में वीडियो बनता है या फिर मेरे कमरे में वीडियोस बनती है। तो आज मैं घर पे हूँ, आज संडे है, तो आज कुछ अलग किया नहीं, कुछ नया किया नहीं। तो आज मैंने सोचा कि अपने घर के छत के ऊपर, पंजाब में कोठी कहते हैं, तो अपने छत के ऊपर बनाया जाए और मौसम का भी मज़ा लिया जाए। तो कैसे हो आप सब, कमेंट में ज़रूर बताना। और आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ अच्छा बताने नहीं वाली हूँ या फिर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बताने नहीं वाली हूँ। एक्चुअली आज मुझे बच्चों को मैंने देखा, आज संडे है तो तो आज संडे है तो बच्चों को मैंने देखा बाहर खेलते हुए। कोई साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, गोल गोल से होते हैं जो साइकिल के, तो वो ऐसे ऐसे चला रहे थे, और कोई साइकिल चला रहा है। तो मुझे अपनी भी बचपन याद आई, तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बचपन शेयर करूं। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, फील हो रहा है ऊपर मुझे, तो आप लोगों के साथ मैं अपना बचपन शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियोज़ में बने रहना, और आपको ये वीडियो कैसी लगेगी लास्ट में मुझे बताना। तो मैं बच्चों को देखती हूँ खेलते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं प्रे करती हूँ कि बच्चों से जो बचपना है, उनका जो बचपन है, प्लीज़ गॉड से मैं दुआ करती हूँ कि उनकी बचपन ना छीने कोई, क्योंकि मेरी बचपन कुछ ऐसी है। मैंने हमेशा किसी के स्टोरीज़ में देखे हैं, किसी के वीडियोज़ में देखे हैं, किसी की कोई बैठ के अपनी कहानी सुनाता है कि मेरे बचपन में ऐसे, मेरे बचपन में मैंने, बचपन में मैं इधर गई, बचपन में मैं उधर गई, बचपन में मैं इतनी बड़े बड़े जगह में घूमी। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि मैं भी बचपन में इधर गई थी, मैं बचपन में उधर गई थी। मेरा बचपन कुछ इतना, मतलब कुछ अलग है, कुछ ऐसा है कि आप सुनोगे तो थोड़ा सा शायद अच्छा ना लगे, तो उसके लिए पहले मैं सॉरी बोल देती हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो अभी मैं पंजाब में हूँ, क्योंकि मेरी जब मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड के साथ मैं पंजाब शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे ही मतलब उनका अपना घर है तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। और इससे पहले मैं झारखंड में थी मम्मी के पास, और बचपन से जैसे छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में मैं जाती थी, और वहाँ पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते 4-5 क्लास तक गई, 6 क्लास में गई। तो 6 क्लास में ऐसा हुआ कुछ मेरे साथ कि मुझे जगह चेंज करनी पड़ी, मतलब मुझे फिर कोलकाता जाना पड़ा। कोलकाता में जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ पे मैं रहती थी, तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते थे, तो उनके साथ रह के फिर मैंने 6, 7, 8, 9 तक पढ़ा। फिर 10th में होते होते मुझे फिर से कोई प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैंने फिर 10th की फॉर्म भरी, मैंने पढ़ाई कंप्लीट की 10th की। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैंने पढ़ाई तो करनी है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट मैंने करनी है, मैंने किसी भी कारण अपना पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो मैंने किसी भी तरह फिर बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी, घर पे बैठ के तैयारी करनी पड़ी, और मैंने 10th लिखा। और मुझे ये बताने से बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं 10th ही पढ़ी हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ी हूँ। प्लस टू की पढ़ने की कोशिश की थी मैंने, बुक्स भी लिए थे, घर पे भी मैं पढ़ रही थी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि मैं कॉलेज नहीं जा पाई, आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, कुछ जॉब्स वगैरह मिलती है। हाँ ये बात सच है कि हम कुछ अच्छे पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा डिग्री होती है हमारे पास, तो जॉब मिलने में आसानी होती है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा था कि मैं जॉब के सपने भी नहीं देख सकती थी, फैमिली कंडीशन ऐसा था कुछ कि मैं जॉब करूँगी कि मुझे कुछ बनना है, मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब कुछ सोचने से पहले मुझे ये ध्यान में आ जाता था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्यों सपने देखूँ। बट हाँ, स्ट्रॉन्ग में थी बचपन से, मेरे सर थे, टीचर्स थे, वो सारे मुझे कहते थे दीपिका एक दिन ज़रूर कुछ करेगी, और इतने सारे प्रॉब्लम्स का उनको नहीं पता था। वो मैं पढ़ने में तेज़ थी इसलिए वो ऐसे कहते थे। तो
उसके बाद जब मैंने 10th कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आगे मैं कर नहीं पाई कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद मेरी मैरिज हो गई तो मैं पंजाब आ गई। यहाँ पे आने के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने के बाद मुझे काफ़ी टाइम तक मैं सोचती थी कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ मैंने मिसिंग की, कुछ मैंने मिस किया। तो इनसे मैंने शेयर की कि मैं कुछ करना है मुझे, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं की, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में सभी ने कुछ की और मैंने कुछ नहीं की, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं इधर उधर जाती थी तो मुझे पर्सनैलिटी में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी भी उतना पर्सनैलिटी में नहीं रहती हूँ, नॉर्मल सूट्स वगैरह ही डालती हूँ क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के घर पे रहती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ भी करूँ या कुछ भी ऐसा कपड़े डालूँ जो मेरे घर फैमिली को अच्छा ना लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे जैसे वो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं आगे बढ़ती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो जैसे बोले मैं वैसे ही करूँ। तो पर्सनैलिटी में रहना मुझे बहुत पसंद है कि अच्छे से रहो, और मैं दूसरे को भी यही बोलती हूँ कि देखो लाइफ में कुछ करो या ना करो बट अपनी पर्सनैलिटी को बना के रखो। और उसके बाद फिर मैंने पार्लर का जो है सैलून का काम सीखना मैंने चाहा कि मैं सीखूँगी, ये मैं करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड में थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी कपड़े भी धोए हुए हैं। तो मैंने इनसे शेयर किया कि मुझे सैलून का काम सीखना है, तो मुझे बहुत मतलब मेरा मन है कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने बोला कि तुम चाहती हो तो तुम करो। करने के बाद उसके मैंने जब सैलून का काम सीखा, ट्रेनिंग ली, उसके बाद मुझे इन्होंने खुद बोला कि जब तूने सीखा है तो तुम अपना सैलून ओपन करो, पार्लर ओपन करो। तो फिर मैंने किया, वो भी किया। उसके बाद फिर करते करते मेरे हस्बैंड ने देखा कि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, इतना मेहनत कर रही हो, तो तुम सोशल मीडिया में भी आओ। तो फिर मैंने सोचा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में आना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था जितना इजीली मैं आ गई। अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज शायद इस जगह पे नहीं होती। भले मैं यूट्यूब में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यूट्यूब में हूँ और वहाँ पे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स जुड़ गए हैं, इंस्टा पे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये थी मेरी अपनी लाइफ की कुछ बातें जो मुझे बच्चों को खेलते खेलते याद आ गई। और हमने पता है हम अपने बचपन में क्या खेलते थे, यहाँ के बच्चे बैट बॉल हो गया, मुझे भी अपने टाइम में बैट बॉल खेलना बहुत पसंद था, बट आपको पता है लड़कियों को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी लड़कों के बीच में घुस जाती थी और बोलती थी मुझे भी खेलना है। तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स अच्छे थे, वो मना नहीं करते थे बिकॉज़ मैं स्कूल में पढ़ने में थोड़ी तेज़ होती थी, क्लास के मॉनिटर्स हुआ करती थी, तो मुझे कोई मना नहीं करता था, वो कहते थे प्लीज़ आप खेलो। तो एक दो बैट मारने के बाद मैं वापस आ जाती थी, और बहुत सारा कबड्डी होता था, फुटबॉल्स होते थे, ये सब मैं खेला करती थी, मुझे बहुत शौक़ था फुटबॉल खेलने का। और कबड्डी आपको पता है आप लोगों को कि नहीं पता, बट स्कूल्स में ये सब खिलाए जाते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब खेलती थी। और एक और फेमस खेल था हमारा, एक पुलिस चोर सिपाही ऐसा कुछ था, हम पर्ची बनाते थे और उसमें हम लिखते थे जिनके पास जो जाता, जैसे राजा की पर्ची गई तो वो राजा बन गया, पुलिस की पर्ची गई तो वो पुलिस बन गया, फिर हम पुलिस बन के दौड़ते थे पकड़ते थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बचपन की। और एक बात मैं बताने भूल गई, बचपन में बच्चे सारे खेलते हैं बट मेरा बचपन ऐसा था कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मम्मी मेरी जॉब जाती थी, मेरे पापा तो 2000 में ही डेथ हो गए थे, मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मम्मी जॉब जाती थी, तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी और मम्मी को टिफ़िन बनाती थी, मम्मी का टिफ़िन बना के मैं उनको दे कर उसके बाद मैं अपनी टिफ़िन पैक करके फिर मैं भाग भाग के ट्यूशन जाना, भाग भाग के स्कूल जाना।
तो ऐसे में करती थी, मेरा बचपन ऐसा होता था। बट फिर भी आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ कि किसी के साथ बुरा नहीं होता है, ऊपर वाला सब देखता है और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया। और अगर कभी बचपन में कोई गलती से किसी के साथ लड़ाई हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो मुझे फील भी होता था बाद में कि मैंने यार उसको कुछ ज़्यादा बोल दिया, अच्छा नहीं लग रहा, तो गॉड जी मुझे माफ़ कर देना, तो ऐसा भी होता था। बट आज जैसे देख रहे हैं, जैसे मेरा लाइफ में जैसे भी चल रहा है और अभी जो कुछ भी मैंने किया है, इससे आगे भी मुझे करने की मतलब बहुत अभी है कि मैंने और आगे करना है, मैं इतना कुछ करना है। भले ही मैं मेहनत करने की मैं कोशिश करती हूँ पूरा, भले ही मैं हार जाऊँ, बट मैं ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहती कि मैं करूँगी। और क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो पहले हमें कोशिश करनी चाहिए। और सभी मेरे साथ जितने भी हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने कि मैं उन लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। आज मुझे बचपन की याद आई तो बचपन की भी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आपको एक और बात बताती हूँ, आजकल के बच्चे हैं पढ़ते हैं, 2 1 2 टेबल हो गया, 2 1 2 2 2 4 2 5 कितना 6 सॉरी, तो ऐसे पढ़ते हैं। और हमारे टाइम में पढ़ा जाता था 2 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे पढ़ते थे, ठीक है। और हमने इंग्लिश तो मतलब पढ़ा ही नहीं, 9 10 में जाने के बाद व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर ग्रैंड मदर नेम्स, ये सब मैंने पढ़ा 6 क्लास से स्टार्टिंग की, क्यों हाँ 6 क्लास में कंप्यूटर क्लास भी होते थे, तो 6 क्लास में हमने 6 क्लास में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद एक हिंदी में का खा गा घा ऐसे भी पढ़ते हैं, ए बी सी डी तो चलो सभी जानते हैं, तो का खा गा अगर मैं अभी भी सुनाऊँ ना तो मैं अभी भी मिस्टेक कर जाती हूँ। अच्छा, इंस्टा पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश में भी बात करते हैं, और मेरा एक और फ्रेंड है जिनसे मैं इंग्लिश में, मैं नहीं अगर किसी का भी एक फ्रेंड नहीं मतलब कई सारे हैं जो कितने भी मुझे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, और मैं बोल नहीं सकती कि मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता, क्योंकि जब से मैंने अपना कोर्स किया है पार्लर का तो मैं कोशिश करती हूँ, और मेरे क्लासेस में भी पूरा सिखाया जाता था कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही क्लास देनी है। तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि पहले से मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गई हूँ, बट मैं और चाहती हूँ कि और मुझे सीखना है, और मुझे करना है, तो पूरी कोशिश जारी है मेरी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए कि मैं और आगे बढ़ पाऊँ, मैं अपने सपनों को उड़ के मैं अपने सपनों को छू सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड आपको लास्ट में एक मैं काखा सुना के जाती हूँ, अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँगी तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो का खा गा घा, का खा गा घा, उसके बाद अंगा, अंगा ही आता है सॉरी, उसके बाद च छ ज झ इया, ट ठ ड ड न, त थ द द द न, प फ ब ब, तो प फ ब ब भूल गई, उसके बाद या रा ला वा, मूर्धन्य दंसा, छ त्र ज्ञा, बीच बीच में मिस्टेक करी गई मैं, और ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, ये का खा अगर आप किसी से भी सुनोगे ना तो बीच बीच में मिस्टेक हो ही जाती है। तो ये थी मेरी छोटे से बचपन की स्टोरी। तो मेरे बचपन के अगर मैं किसी कभी अगली नेक्स्ट वीडियो में पिक शेयर करूँगी ना आप लोगों के साथ, तो आप मुझे बोल नहीं सकते कि मैं वही दीपिका हूँ, क्योंकि पहले और अभी मैं थोड़ा नहीं, मैं मेरे लिए बहुत चेंजेस है, और मैं आगे और चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी मेरी कैसी लगी, और
ऐसे ऐसे वीडियोस और आती रहेंगी। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई, तब तक के लिए बाय बाय। कृतिक इधर आओ, रो रख के आओ। तो ये देखिए, ये शूटिंग चल रही है, मेरी अलग से शूटिंग हो रही है और ये मेरा अलग से शूटिंग कर रहा है। तो चेहरा दिखाओ, हेलो करो। 2 1 2 सुना दी। 2 2 2 2 4 2 5 2 5 2 2 6 2 6 2 तू भी भूल गया? नहीं, फिर से बोल सकता हूँ। 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 2 2 6 2 12 2 3 4 40 2 8 4 16 2 10 2 9 4 18 2 10 2 20। तो देखे, ये हैं आजकल के बच्चे, तो कितने फटाफट से बोल लिया। और मेरे टाइम में तो हम काम में ही अटके होते थे। तो फ्रेंड चलो, और लंबा नहीं करूँगी मैं, पहले मैंने बाय बोल दिया, तो फिर से बाय बाय।